शिवपुरी जिले के इंदर थाना क्षेत्र में गुमशुदा बेटी की सुपुर्दगी के एवज में पुलिस द्वारा पैसों की मांग करने और पीड़िता के पति को झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का मामला आया है। गुरुवार को शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे गुमशुदा बेटी की मां ने बताया कि पुलिस द्वारा उसके बेटी को सुपुर्दगी में देने के एवज में 25,000 रुपये की मांग की जा रही है। यही नहीं, 16,000 रुपये लेने के बाद भी पुलिस द्वारा बेटी को सुपुर्दगी में नहीं दिया जा रहा है। पीड़िता ने एसपी से शिकायत करते हुए बेटी की सुपुर्दगी दिलाए जाने की और न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है तुम्हारा? गुड़िया भाई। क्या शिकायत लेके आए हो? हम शिकायत लेके आए हैं, हमारी लड़की शादी शुदा है, घर से गायब है। कब से गायब? वो है 10 तारीख से। अच्छा, तो आपने शिकायत वगैरह की होगी? हाँ, कर दी थी उसके पति ने। उसके पति ने? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर दूर लाया और फिर भी इंदार थाने पे ले आया। फिर क्या हुआ? फिर हमने उन्हें पुलिस वाले ने हमसे कही के तुम्हारी बच्ची को ले जाओ और हमने 16,000 रुपये दे दिए। 16,000 रुपये क्यों दिए? हमने उनने मांगे थे तुम्हारी बच्ची तुम्हारे पास चली जाएगी। किसने मांगे? दरोगा जी ने। क्या नाम है दरोगा? श्याम लाल जाटव। उन्होंने पैसे किस चीज के मांगे? तुम्हारी बच्ची तुम्हारे पास चली जाएगी। फिर क्या हुआ? आपने पैसे दिए? हाँ, हमने पैसे दिए। फिर घर में भी घर पे आ रहे थे हम गाड़ी लेके, उनने बोले गाड़ी कर लो किराए से और फिर ले जाना। फिर गाड़ी कर ली हमने किराए से, वो भी हमारे साथ बैठ के आए और फिर भी गांव के पास से इस थोड़ी देर से फिर भी वापस ले जाएगा लड़की को। वापस क्यों लेके गए? भी बोले और पैसे दे दो। पैसे की मांग कर रहे हैं? हाँ। अब क्या चाहते हो? हमारी बच्ची हमारे पास भेजा दो। इससे पहले भी लड़की को पहले लापता हुई थी? हाँ। शादी कब हुई थी? शादी हुई थी 8 तारीख को। अगली थी? हाँ। क्या चाहते हो? हमारी बच्ची हमारे पास भेज दो।